हेलो दोस्तों, क्या हो अगर आपको राइस खाने की जगह प्लास्टिक राइस खाने को दिया जाए और मटन की जगह आपको रेड मटन दिया जाए। आप लोग यही कहोगे कि यह कितनी बेकार बात है, लेकिन यह सब चीजें चाइना में एक आम बात बन चुकी हैं। अब हम लोग चाइना से इससे ज्यादा आशा क्या कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज हम चाइना कुछ ऐसे फूड स्कैम्स के बारे में जिन्हें देख कर आप भी चकरा जाएंगे। बात करते हैं फैक्ट नंबर वन की, प्लास्टिक राइस। हम एशियंस को राइस खाना बहुत ही पसंद होता है और हमारा पड़ोसी देश यानी कि चीन दुनिया का सबसे ज्यादा चावल उत्पादक देश माना जाता है और वहाँ पर चावल की मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए चाइनीज लोगों ने फेक चावल बनाना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश चीन में प्लास्टिक राइस बेचा जाता है। यह राइस पटाटो, स्वीट पटाटो और सिंथेटिक रीजन से बनाया जाता है, जिससे यह असली चावल की तरह दिखाया जाता है और इस चावल की चाइना में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस प्लास्टिक चावल के एक दो चम्मच खाना एक पूरी प्लास्टिक बोतल को खाने जितना बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि ले पागल है चाइनीज लोग। और यहीं तक नहीं दोस्तों, अगर आप इस प्लास्टिक चावल को गलती से भी खा लेते हैं तो आपको कई गंभीर बीमारियां यानी कि कई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं फैक्ट नंबर टू की, रेड मटन। मटन स्कैम चाइना में एक आम बात सी हो चुकी है, जहाँ पर लोगों को सरेआम बेवकूफ बनाया जाता है। यहाँ पर मटन की जगह रेड मटन और फ्रॉक मटन दिया जाता है और लोगों को वह असली मटन की तरह दिखाई दे, इसीलिए उसमें कार्बनिंग, जेलेटिन और नाइट्रोजन ऐड किया जाता है। अगर आप लोग भी इसको पहली बार देखोगे तो आपको भी यह नहीं समझ में आएगा इसमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा है। और इस बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम से एक चाइनीज आदमी ने 1.4 मिलियन यूएस डॉलर कमाए थे और जब पुलिस वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने 900 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। और उसके बाद चाइनीज पुलिस ने 20,000 टन से अधिक रैट मटन को जब्त किया, यानी कि अब आप यह सोच सकते हो कितनी भारी तादाद में यह मीट बेचा गया था। फैक्ट नंबर थ्री, रॉटन राइस नूडल्स। जब आपके यहाँ चावल या कोई अन्य चीज खराब हो जाती है तो आप शायद उसे जानवरों यानी कि काउस या किसी अन्य जीव को खिला देते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि चाइनीज लोग क्या करते हैं? चाइनीज लोग इन्हीं खराब और सड़े हुए चावल से नूडल्स बनाया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस खराब चावल में काफी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है और अगर आपने गलती से भी इस नूडल्स को खा लिया और यह आपके पेट तक पहुंच गया तो कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और साथ ही इस नूडल्स में बहुत ही खतरनाक और जहरीले पदार्थ ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें।